हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट मी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू यू। सो आज जो है हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का प्रॉब्लम ऑन केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ बेसिकली हम जो है प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे कि आपका किस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स में जो भी हमने सीखा है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल to that required for its 25% of completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 raised to power of 10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and EA. Right? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सो गिवन डेटा है आपका कि वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ है, दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सो 4 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 10 एंड सेकेंड इनवर्स, राइट। और जो भी आपका टाइम लगेगा 10% कंप्लीट होने में एट टी इक्वल टू 298 केल्विन, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ कंप्लीशन ऑफ 25% एट टी इक्वल टू 308 केल्विन। ये डेटा ऑलरेडी गिवन है, तो हमें वैल्यू जो है रेट कांस्टेंट निकालना है और 318 केल्विन, और इसके अलावा जो है हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम पहले लिख लेते हैं कि आपका किस तरीके से इक्वेशन आता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका जो टी आएगा वो आएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट सॉरी डिवाइडेड बाई ए टी के बराबर। अब जो है यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एट टाइम टी ए कितना बचा है वो है, राइट। तो यहाँ पे अगर 10% कंप्लीशन का हम कह रहे हैं तो टी 10% पे अगर हम देखें तो ये आएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग ऑफ, अब यहाँ पे ए नॉट तो आपका इनिशियल था और ए टी जी कितना बचा है, राइट। तो वो आपका कितना बचा होगा, 90% बचा होगा क्योंकि 10% डिसोसिएट हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 0.9 ए नॉट के बराबर। तो यहाँ ए नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी इसकी 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 110/9, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यूज देखें और सब्स्टिट्यूट करें तो आपको ये आएगा 0.1054 डिवाइडेड बाय के। अब अगर ये आपने लिखा था एट 298 केल्विन, सिमिलरली अगर हमने लिखा एट 308 केल्विन तो हमें यहाँ पे टी जो है 25% का देखना। तो सेम लॉजिक से 2.303 डिवाइडेड बाय आपका आएगा के लॉग, और यहाँ पे जो है आपका सिंस अब 25% कंप्लीट हुआ है, राइट। तो 75% बचा होगा, तो 75% बचा है इसका मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 75। यहाँ परसेंटेज आएगा जहाँ नीचे है तो वहाँ से 0.75 आएगा, तो उसको हमने ये लिख दिया। अब अगर यहाँ पे हम जो रेट कांस्टेंट देख रहे हैं अब चेंज हुआ है तो यहाँ हम इसको के डैश कर देते हैं। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आएगा 2.2877 डिवाइडेड बाई के डैश। तो ये आ गया आपका वैल्यू टी 25%। अब सिंस ये दोनों जो है आपके इक्वल है, राइट, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको वन कह देते हैं, इसको हम टू कह देते हैं, राइट। अब सिंस ये दोनों आपके इक्वल है तो अब क्या कहोगे, ठीक है। तो ये दोनों को अगर इक्वेट करें तो हमारे पास आएगा कि 0.1054 by K will be equal to 2.2877 by K dash। तो यहाँ से जो है हमें रेशियो आ गया कि आपका K dash by K की वैल्यू आएगी 2.73 के बराबर, राइट। अब जो है हमें आरएनएस इक्वेशन देखना है। सो आरएनएस इक्वेशन क्या कहता है, आरएनएस इक्वेशन कहता है
कि जब कभी भी आप रेशियो निकाल रहे होगे लॉग लेट्स से दो अलग अलग टेम्परेचर पे, सो के टू बाई के वन लिख लेते हैं, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2.303 R मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे जैसे जो आपका यहाँ पे के डैश है, राइट, तो यहाँ पे आएगा, अगर के टू है तो यहाँ पे आएगा टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू टी वन के बराबर, राइट। तो यहाँ बेसिकली ये 1/T1 है और ये 1/T2 है ना, तो इसको थोड़ा सा हमने जो है एलसीएम लेके लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, के टू क्या है यहाँ पे, के डैश है, और के वन क्या है आपका, के है। तो यहाँ अगर इसको लॉग की वैल्यू डालें तो आपका आएगा लॉग 2.73 विल बी इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय, अब आर की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आएगा 8.314, सो मल्टीप्लाई बाय 8.314। अब जो है टेम्परेचर्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो वो आएगा 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाय 308 मल्टीप्लाइड बाय 298 के बराबर। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ये जो है वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 76.64 किलो जूल पर मोल, राइट। तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो है दूसरा चीज क्या पूछा गया था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, राइट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है एट 318 केल्विन, राइट। सो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन का ही दूसरा फॉर्म यूज करना है, राइट। सो अगेन आपका आरएनएस इक्वेशन है, यहाँ पे हमने जो है दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए इक्वेशन जो है मॉडिफाई कर लिया था। यहाँ पे अपन जो है सिर्फ जो है ये लिखेंगे के इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ई रेस्ट टू पावर ऑफ, या एक्सपोनेंशियल कह लीजिए आप, राइट, रेस्ट टू पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी के बराबर आएगा। सो यहाँ पे अगर हम लॉग ले लें दोनों साइड पे, तो आपका आ जाएगा लॉग के विल बी इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे जो है आपका सिंस हमने लॉग लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये फैक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर टी। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज जो है हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना है, सो लॉग के की वैल्यू आएगी, लॉग ए जो गिवन है वो है लॉग 4 × 10⁻⁰ माइनस ई ए की वैल्यू जो हमने ऊपर से निकाली है, तो 76.64 यहाँ किलो जूल है, राइट, तो × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई आर 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर दैट इज 318। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ वैल्यूज देखें तो ये आ रहा है आपका इक्वल टू 0.6020, ये लॉग 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपली 10 माइनस, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो आएगा 12.59 के अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ पे अगर हम देखें एंटी लॉग लें, टेकिंग एंटी लॉग हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 1.034 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² ऑफ -2 सेकेंड रिवर्स। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, क्वेश्चन का आया है 76.64 किलो जूल पर मोल, है ना, और आपका रेट कांस्टेंट दैट इज आपका के, है ना, एट टी इक्वल टू 318 केल्विन, ये बराबर आया है 1.304 × 10⁻²⁻² इनवर्स के। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई जो क्वेश्चन में पूछा गया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।